नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564905096906089752386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज की हमारी डेट है 20 मई, और 20 मई के हम इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स को देख लेते हैं। सबसे पहला बड़ा न्यूज में रहा था भाई जल्लीकट्टू, अभी सुप्रीम कोर्ट का बयान आया ना उसके ऊपर, इसलिए बहुत न्यूज में था। उसके बाद दूसरा आर्टिकल है हमारा सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट, और फिर जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद है, फिर है हिमालय का चंद्र टेलीस्कोप, गगनयान मिशन, ग्लोबल एनुअल डिकेड के ऊपर। सबसे पहला है जल्लीकट्टू। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो यहाँ पर पशुओं के प्रति क्रूरता होती है उसकी रोकथाम के लिए 2017, और जो है यहाँ पर इसको बरकरार रखते हुए ये बोला है, बहुत सालों से जल्लीकट्टू जो है वो कहाँ खेला जा रहा है, तो अभी यहाँ पर जल्लीकट्टू को जो है वो अनुमति दे दी गई है। मतलब पहले से ही अनुमति थी, इसको रोकने के लिए नहीं स्टेप लिया गया, इसको पास कर दिया गया। ठीक है, अब जल्लीकट्टू के बारे में अब यहाँ पे ध्यान से समझें, हमारे यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन बनेगा इसके अंदर प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए इसमें बहुत कम क्वेश्चन बनेंगे। हाँ, जल्लीकट्टू के बारे में ऐसा आ सकता है कि भाई जल्लीकट्टू के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए, तो आपको जल्लीकट्टू के बारे में पढ़ना होगा कि जो जल्लीकट्टू है वो तमिल शास्त्रीय काल का बहुत पुराना एक खेल माना जाता है। ये जो तमिलनाडु के मुलई रीजन में लोग रहते हैं वो ये परफॉर्म करते हैं, जिसमें सांड बुल को वश में किया जाता है। इसे बुल टेमिंग स्पोर्ट कहते हैं, जो कि प्रकृति का उत्सव, एक भरपूर फसल के लिए धन्यवाद, जिसमें पजू पूजा जो है वो की जाती है। हाँ, ये एक हिंसक खेल जरूर होता है, और इसमें एक ही विजेता होता है, या तो आदमी या तो बैल। हमें कंट्रोल करना होता है, आदमी आदमी को बैल को पूरी तरीके से कंट्रोल करना होता है, इसीलिए हम कहते हैं इसको बुल चेमिंग फेस्टिवल। ठीक है, ये सब जो है बहुत पुराने चलते आ रहे हैं यहाँ पर, और जो जो कंट्रोल में कर लेगा उसी तरीके से वो फिर जीत जाता है यहाँ पर। अब देखो, बात ये है कि भाई इसकी इम्पोर्टेंस काफी ज्यादा है। जैसे यहाँ पर मवेशियों की गुणवत्ता, पशुपालक मवेशियों की केंद्रीयता, इन सब में यहाँ पर जो तमिलनाडु के जो भूमि मालिक हैं वहां पर ये गौरव का प्रतीक माना जाता है। साथ ही साथ आर्टिकल 29 जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये साफ साफ कहता है, मतलब उसमें भी ये लिखा हुआ है कि भाई जल्लीकट्टू के लिए कल्चरल राइट, आपको आर्टिकल 29 पता है ना कि वो क्या होता है, हमारा एक कल्चरल राइट है, तो उसके रिस्पेक्ट में हम लोगों के पास ये अधिकार है कि हम इसको आगे तक कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं। तमिलनाडु की सरकार जो है उसके पास है पूरा पूरा राइट, तो यही लिखा हुआ हमारे आर्टिकल 29 और 30 में। ऐसे वादी वासल जल्लीकट्टू जो एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का एक अच्छा मार्गदर्शक है यहाँ पर, और ये जो है 1940s में एक नॉवल लिखी गई है उसमें ये सब बताया गया, तो इसके ऊपर आपके आर्गुमेंट्स इंपॉर्टेंट है। इसके फेवर में आर्गुमेंट्स क्या है कि भाई ये जो है एक पूरी की पूरी एक कम्युनिटी का जो है एक सिंबल माना जाता है, ये पशुओं को कीमती स्वदेशी नस्ल के संरक्षण के लिए समर्पित उपकरण के रूप में जो है इसलिए माना जाता है, और ये हाई स्कूल पाठ्यक्रम में पढ़ाए जा रहे सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के साथ जुड़ा हुआ है, ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी इसका महत्व बना रहे, आगे आने वाले समय में लोग इसको सेव करके रख सके। लेकिन इससे जुड़े हुए कई आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट में भी है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जल्लीकट्टू के फेस्टिवल में पशु जीवन
मनुष्य के जीवन से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर पशुओं के जीवन से थोड़ा थोड़ा खिलवाड़ कहीं ना कहीं किया जाता है। तो वही है कि भाई हर किसी के अंदर एक जीव है, तो हर किसी को यहाँ पर प्रॉपर जीने का अधिकार है। हमें तो यहाँ पर आर्टिकल 21 में कह दिया गया कि राइट टू लाइफ है, पर्सनल लिबर्टी है, तो ऐसे ही जो पशु है उनके पास भी तो वो जीने का अधिकार है। तो उनको इस तरीके से कंट्रोल करना, ये एक तरीके से आप कह लीजिए जानवरों पर बहुत बुरी तरीके से क्रूरता जो है वो बढ़ती जाती है इस पूरे के दौरान, तो ये गलत है यहाँ पर। तो इसको यहाँ पर जलीकट्टू को संस्कृति के रूप में अगर आप ठहराना चाहें कि संस्कृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, इसका कोई हमारे पास प्रमाणिक सामग्री उपलब्ध नहीं है कि हम इसको कह सकते हैं। तो थोड़ा सा इस तरीके से ये है, जैसे हम लोग यहाँ पर कहते हैं ना कि प्रकार से ये बोला जाता है हमेशा से कि जो तो डाउरी सिस्टम है, ये दहेज प्रथा है, ये सारी चीजें, ये हमारा एक गलत पार्ट थी। अगर ये भी तो पहले से चलती आ रही है, इनको भी तो सरकार ने किसी ना किसी तरीके एक्ट पास करके हटाया है, तो अगर वो हमारे लिए गलत प्रैक्टिसेस हैं तो ये जलीकट्टू सही कैसे हो सकती है? अगर वो गलत है तो जलीकट्टू भी गलत है। तो अगर आपके एग्जाम में, मैं बता रही हूँ सीएपीएफ में, अब होने वाला है सीएपीएफ का पेपर, क्योंकि सीएपीएफ में इससे सवाल आते हैं, या आपके एग्जाम में कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, और जो यहाँ पर आर्गुमेंट्स फेवर में और अगेंस्ट में लिखे हुए हैं, तो आप में से जो भी सीएपीएफ के लिए प्रिपेयर कर रहा है अगस्त में होने वाला है, तो उसके लिए आप पूरा ये रख सकते हैं। वैसे देखो सीएपीएफ फॉर्म के भरने की डेट तो अब जा चुकी है, तो आप में से जिसने भी स्टूडेंट ने भरा है उसको, तो उसके लिए मैं बता दूं कि वो यहाँ पर पूरी तरीके से ये आंसर अपना प्रिपेयर जरूर कर ले। हो सकता है ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में बन जाए, मतलब कंपलसरी नहीं है, पर हाँ ऐसा कोई क्वेश्चन आर्गुमेंट क्योंकि उसमें आता है ना, इसलिए। ठीक है भाई, तो एक तो आपको ये अपना जलीकट्टू का पूरा लर्न करना है, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जलीकट्टू, सीधा सीधा इससे सवाल बनते हैं। बाकी इससे जो है क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में, मेंस में बहुत कम चांस है, तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि मेंस को आप अपने इसमें इंक्लूड कीजिए, मेंस को आप इसमें मतलब मेंस के टॉपिक के लिए इसको आप लीव कर सकते हैं, इट्स नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। अब आता है हमारा सेकंड टॉपिक, देखेंगे भाई सेकंड टॉपिक क्या है। सेकेंड टॉपिक यहाँ पे कहता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में। अब यहाँ पर हाल ही में जो कोलिजियम है वहां आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ अधिवक्ता को सर्वोच्च न्यायालय के रूप में यहाँ पर अब लेकर के आया गया है, कोलिजियम ने ये अपॉइंट किया, ठीक है, कोलिजियम ने किया है। तो यहाँ पर ये कोलिजियम सिस्टम के ऊपर या फिर थोड़ा सा फिर से सवाल आ जाता है, अभी सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम में कौन होंगे? ऑब्वियस सी बात है सीजेआई तो होंगे ही होंगे, जो मुख्य न्यायाधीश है, कौन है, डीवाई चंद्रचूड़। उन्होंने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को यहाँ पर आगे आने के लिए रेकमेंड किया है, ठीक है। तो यहाँ पर और साथ में जो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के सीजे हैं प्रशांत कुमार मिश्रा, उनको यहाँ पर आने के लिए, यहाँ पर आगे आने के लिए। और ये अपॉइंटमेंट्स कहाँ लिखी हुई है? सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 124 से 147। आप लोगों ने अपने पॉलिटी पढ़ ली है ना अभी तक, तो आपने पॉलिटी पढ़ी है, आपने देखा होगा आर्टिकल नंबर 79 से 122 तक पूरे के पूरे आर्टिकल्स किससे जुड़े हुए हैं? हमारी पार्लियामेंट, हमारे संसद से जुड़े हुए हैं। उसके बाद 123 आता है, वो आता है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनेंस अध्यादेश को पास कर सकता है। फिर 124 से 147 पूरा सुप्रीम कोर्ट है, फिर 148 सीएजी के बारे में शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से आर्टिकल्स हमारे बने हुए हैं, ठीक है, और सारा कुछ जो भी इनसे जुड़े हुए चीजें देखनी होंगी वो पार्लियामेंट देखता है। तो देखो भाई सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट आर्टिकल 124 में लिखे है कि प्रेसिडेंट करेंगे, लेकिन प्रेसिडेंट यहाँ पर पूरा कंप्लीट करके करेंगे, ऐसे सब जो प्रोसेस होता है, लेकिन आज के समय में ये कोई प्रोसेस फॉलो नहीं होता। सीधा कौन सा प्रोसेस फॉलो होता है? कोलिजियम सिस्टम। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि कोलिजियम सिस्टम वर्सेस एनजैक का क्या सीन है? एनजैक इज नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन एंड कोलिजियम सिस्टम, दोनों डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स हैं। तो इनके ऊपर कई बार सवाल बनता है कि कोलिजियम सिस्टम बेटर है या एनजैक बेटर है, ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आता है। तो बाकी जजेस की क्वालिफिकेशन आप सभी लोग जानते हैं, पढ़ा हुआ है सभी लोगों ने, सबसे पहले तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, जज जज बनने के लिए एलिजिबल, पहले या तो जज रहा हो हाई कोर्ट का 5 साल तक, या फिर हाई कोर्ट का एडवोकेट रहा हो लेकिन 10 साल। बाकी एज नहीं लिखी हुई है कि भाई मिनिमम एज कितनी होगी, हाँ हाई कोर्ट का जज बनने की मैक्सिमम एज जो है वो 62 है और सुप्रीम कोर्ट की 65 है।
ठीक है, ये मैक्सिमम एजेस है। बाकी सैलरी सब कौन डिसाइड करता है? पार्लियामेंट डिसाइड करती है। और सारी सैलरीज जो है इनकी कौन से फंड से आती है? वो आती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जिसे हम क्या कहते हैं, सीएफआई। सारा कुछ सीएफआई से ही विड्रॉ होता है, सारी की सारी सैलरीज यहीं से आती है। और इनकी सैलरीज जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी के अलावा कभी भी और डिसएडवांटेज कम नहीं की जा सकती है। कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है, 65 ईयर्स की एज तक रह सकते हैं। बाकी कभी भी अगर उन्हें रिजाइन देना चाहे तो डेफिनेटली इनको रिजाइन दे सकते हैं। किसको रिजाइन, रेजिग्नेशन लिख सकते हैं? प्रेजिडेंट को। और इनको कभी भी हटाया जा सकता है, पार्लियामेंट यहाँ पर वो पूरा एक तो पास करेगी, उनके बाद कभी भी इनको जो है ऑफिस से हटाया जा सकता है। लेकिन उनका पूरा रिमूवल का प्रोसेस होता है, ऐसे ही नहीं कि कभी भी हो जाएगा। इनके ऊपर अगर इन्होंने कभी भी जो है मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी, ठीक है, ये है यहाँ पर। ये देखो इधर सब लोग, क्या है इनके ग्राउंड्स? ग्राउंड्स पूछे जाते हैं एग्जाम में, हटाने के ग्राउंड्स है मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी, सद कदाचार या अक्षमता रही है, तभी हटा सकते हैं। और हटाने के लिए यहाँ पर ऑर्डर पास किया जाएगा, और वो ऑर्डर दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से पास होगा। और वो मेजोरिटी कौन सी लगती है? स्पेशल मेजोरिटी, जिसे हम कहते हैं 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। विशेष बहुमत लगती है, और अगर दोनों हाउसेज में विशेष बहुमत से ये बिल पास हो जाता है और प्रेसिडेंट भी यहाँ पे साइन कर देते हैं, तब किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को या हाई कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है। वरना ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आराम से आकर के हटा देंगे, ऐसा नहीं होता। पूरा सिस्टम फॉलो होता है, जैसे प्रेसिडेंट के लिए, वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए होता है, ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए भी होता है। इट्स नॉट ईजी कि आए और हटा दिया, ठीक है। अब एनजैक और कोलिजियम सिस्टम, ये दो अलग अलग, ये मैंने अपनी वीडियोस में पहले कई बार आप लोगों को समझाया है। मैं फिर से कहूंगी, अभी आप जो भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं मेंस के एग्जाम के लिए, आपको ये पूरा कंटेंट आना चाहिए, क्योंकि आज के समय में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेंस की आंसर राइटिंग में एनजैक कोलिजियम सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे मान लीजिए इन पे कंपैरिजन करने के लिए भी पूछता है, तब भी जो आपके सामने पूरा बना हुआ है, आपको इसको ऐसे पढ़ना है। कोलिजियम सिस्टम, 3 जज केस आपने पढ़ा हुआ है ना, कि जो है इसके अंदर सीजीआई रहेंगे और 4 सीनियर मोस्ट जजेस रहेंगे। जबकि एनजैक जो है ये एक तरीके से एक ऐसी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसमें 6 लोग होंगे। ये 99th नंबर के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2014 में आई थी। 6 लोग होंगे, एक सीजीआई होगा, जजेस होंगे, लॉ मिनिस्टर होंगे, और 2 एमिनेंट पर्सनालिटीज को भी रखा जाएगा। तो इस तरीके से पूरा ये सिस्टम जो है वो बनाया है एनजैक का। और कॉलिजियम सिस्टम दो डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस है, ठीक है, दो अलग अलग तरीके से अपॉइंटमेंट होते हैं। बाकी डिपेंड करता है कि अपॉइंटमेंट, मतलब अभी देखो, वैसे तो देखो लिखा हुआ है एनजैक होना चाहिए, बट फॉलो कॉलिजियम सिस्टम ही होता है आज भी सुप्रीम कोर्ट, ठीक है भाई, समझ रहे हैं सभी लोग इस चीज को? तो ये सब आपसे जो है सीधे सीधे क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकता है। अगला टॉपिक है हमारा जम्मू कश्मीर में टेररिज्म के ऊपर। अभी आप सभी लोग जानते हैं कि ये भी काफी ज्यादा जो है वो न्यूज में रहती हैं चीजें, जम्मू कश्मीर में टेररिज्म का क्या है यहाँ पर, तो वो देख लेते हैं एक बार। उग्रवादियों का रुख बदलने के साथ राजौरी और पूंछ दोनों इलाके हैं जम्मू कश्मीर में, वहां की सेक्टर सुरक्षा एजेंसियों के लिए कानून व्यवस्था बनाए रखना एक कठिन कार्य। अभी क्या हो रहा है कि पीर पंजाल, सबको पता है ना पीर पंजाल घाटी, तो पीर पंजाल घाटी का जो पूरा इलाका है वहां पर आतंकवादी जो है सुरक्षा बलों को चकमा देने और कठिन भूभाग में जीवित रहने के उद्देश्य से अपनी रणनीति को काफी बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो उग्रवादी जो वहां के हैं वो गुप्त रूप से काफी ज्यादा संचार करने के लिए कुछ ना कुछ नई चीजों को ला रहे हैं, परिवारों को इकट्ठा कर रहे हैं, तो यहाँ पर गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ वहां पे, और इसकी पिक्चर्स भी काफी वायरल हुई है, अगर आपने थोड़ा सोशल मीडिया पे देखा होगा। तो देखो आज के समय में क्या सीन है कि देखो टेररिज्म आप सभी लोग जानते हैं क्या चीज होती है। आतंकवाद एक ऐसा होता है ना कि लोगों के मन में डर कर देना कि यार मतलब हमारा ये लक्ष्य है और इसके लिए हम कुछ भी करें। तो लोगों को जबरदस्ती हिंसा के लिए उकसाना, चाहे वो किसी राजनीतिक एजेंडे से हो,
धार्मिक एजेंडे से हो, ये सब काम करते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है टेररिज्म के ऊपर, तो आप ये डेफिनेशन यूज कर सकते हो अपने मेंस एग्जाम में, नोट कर लो इसको अपने नोट्स पे। मैं बता रही हूँ कि आपको कैसे लिखना है। अगर मान लीजिए टेररिज्म से जुड़ा हुआ कोई भी आता है क्वेश्चन, तो आप इसको कोटेशंस में डाल करके ये डेफिनेशंस को यूज कर सकते हो। तो ये डेफिनेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट। मान लो टेररिज्म पे लिखने को आ गया कोई आर्टिकल, है ना, तो अब इसके अंदर आप यहाँ पे बताएंगे कि क्यों यहाँ पर टेररिज्म बढ़ता जा रहा है। देखो, टेररिज्म बढ़ने के बहुत बड़े कारण में से एक है राजनीतिक शिकायतें होना। आप सभी जानते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में जब से पार्टीशन हुआ है, उसके बाद से कश्मीर का संघर्ष काफी बड़ा चल रहा है। लश्कर-ए-तैयबा, जैश मोहम्मद, ये सारे जो कुछ समूह है, ये बहुत ज्यादा फिराक में रहते हैं कि भारत के अंदर एक जो है ना, एक डर का माहौल, भारत के अंदर लोगों में एक ऐसा डर का माहौल बनाए रखे जिससे लोग जो है वो भयभीत बन के रहे। प्लस जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा अभी सामाजिक असमानताएं देखने को मिलती है, बहुत ही बड़े लेवल, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में यहाँ पर गरीब स्तर उनको बहला फुसला करके इस तरीके के कार्य करवाना, ये उनका एक काफी बड़ा एजेंडा सा होता है। तो इस तरीके के काम वहां पर काफी ज्यादा अमाउंट में होते हैं। उसके बाद सांप्रदायिक तनाव वहां पर काफी ज्यादा है, वहां पे कम्युनल वायलेंस, ही ना मतलब एक तरीके से ना, एक ये उस चीज पर हवा दे देता है ना। तो कम्युनल वायलेंस होना उसी उसी ड्रेस में, जैसे हिंदू मुस्लिम का कोई विवाद हो गया, वो होना उसी समय आतंकवादी घटना को भी हवा मिल जाती है। इस इसके चेहरे में ना वो चीजों को भी हवा मिल जाती है। भारत के विभिन्न क्षेत्र, जैसे आज के समय में मणिपुर में काफी बड़े वायलेंस हो रहे हैं मेईतेई ग्रुप का, ठीक है। ऐसे ही और जैसे हमारे जो भी आसपा वाले इलाके हैं, वहां पे किसी भी प्रकार का कोई वायलेंस होता है, तो क्या होता है ना कि इन सब चीजों को देख करके बाकी जो टेररिस्ट ग्रुप्स होते हैं ना, वो ज्यादा सोचते हैं कि यहाँ पर भी हो रहा है, हम इस तरफ भी कुछ एक जो है वो एक कुछ ना कुछ चकमा देने की कोशिश करते हैं या एंटर होने की कोशिश करते हैं। तो ये चीजें बहुत कॉमनली जो है वहां पे देखने को मिलती है। तो ये है वही चीजें, ठीक है भाई। तो अभी जैसे उल्फा बनाया गया था, उल्फा आया था, इससे एक यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, उल्फा की फुल फॉर्म पूछी थी। तो उल्फा क्या है, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम। और ऐसे ही नागालैंड जो है उसमें, सॉरी ये हाँ नागालैंड में किया गया था, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल। तो इन्होंने भी यहाँ पर टेररिज्म के एक्ट प्रमोट किए। तो वहां पर उग्रवाद बहुत ज्यादा है, इसकी जो जम्मू कश्मीर में उग्रवाद है वो आज के समय का नहीं है, वो 1940 के दशक से शुरू हो चुका है, जब पाकिस्तान जो है मतलब लेट 90s में, 1948 के समय में, जब पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर जो है कश्मीर हासिल करने के प्रारूप से यहाँ पर अटैक किया था, और उसके बाद फिर महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ अक्सेशन जो है वो साइन करके इंडिया में कश्मीर को शामिल कर दिया, राइट। सबने ये स्टोरी पढ़ी है ना, जिसने नहीं पढ़ी है आपने से ये स्टोरी अलग से जाकर के जरूर स्टडी करिएगा। इसके बिना आपकी जो है जीएस की तैयारी अधूरी है, क्योंकि ये सब अगर आपको नहीं पता है बहुत मुश्किल है। आप सभी लोग एक बार जरूर पढ़ी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्थ कश्मीर में, फिर उसके बाद पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ 1965 में, फिर 71 में वॉर हुआ। तो यहाँ पर जो इंसर्जेंसी होती है ना, उग्रवाद, घुसपैठ होना, इसके जो एक आप कह लो कि जो एक वो है ना एग्जाम्पल्स, वो काफी बढ़ते चले। फिर इसके बाद क्या हुआ, नॉर्थ कश्मीर में भी काफी ज्यादा हुआ। फिर उसके बाद साउथ कश्मीर तक फैलने लगा, पहले नॉर्थ तक था फिर साउथ तक पहुंचने लगी चीजें, ठीक है। उसके बाद टेररिस्ट एक्शंस और बढ़ने लगे, सीमा के ऊपर जो है लोगों का गलत तरीके से आना, घुसपैठ, फिर धीरे धीरे कम करके कमी आई, क्योंकि कई बार क्या हुआ कि जब भी कोशिशें की गई वो नाकाम हो गई। तो भारतीय सेना के अनुसार यहाँ पर जो है 100 से अधिक आतंकवादी पैड जो है वो यहाँ पर जारी रखने की कोशिश की गई है, लेकिन वो आज भी सफल नहीं हो पाए। तो चलो खैर, ये तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर अब उनकी ना जो एक टेक्निक होती है ना पाकिस्तान की, अब वो बदलाव देखने को, क्योंकि यहाँ पर चीजें जो है ना एग्जीक्यूट करना वो अच्छा नहीं हो पाया, तो उन्होंने अपने नए तरीके शुरू कर दिए या फिर पुराने तरीके लाने शुरू कर दिए। तो पाकिस्तान की जो एजेंसीज है ना, वो पुराने पुराने जो है ना कनेक्शन उस पर जाने की कोशिश कर रही है, रिक्रूटमेंट करने के शुरू कर रहे हैं। पहले भर्ती 25 से 30 साल की उम्र में होती थी, धीरे धीरे करके यहाँ पर अब जो है वो बढ़ने लग गए। मिलिटेंसी यहाँ पर उग्रवाद जैसी चीजों को बढ़ावा देने के लिए कोशिश करने लग गए, रियासी, डोडा, किश्तवाड़, ऐसे इलाकों के अंदर। तो यहाँ पर नया फेस कश्मीर में अभी थोड़ा सा देखने को मिल रहा है। तो अभी यही चीज न्यूज में थी, ये एक पिक्चर भी काफी ज्यादा वायरल हुई थी, वो पिक्चर तो यहाँ पे मुझे मिल नहीं पाई, पर वो वायरल काफी ज्यादा हुई थी। और गवर्नमेंट ने काफी कोशिश करी है, जैसे कि 2015 में स्कूल्स, पावर्स, हॉस्पिटल्स, वो सब बनाए हैं जम्मू कश्मीर में, ताकि जो युवा है वो
उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट कराई जा सके, क्योंकि अगर युवा के पास एम्प्लॉयमेंट होगी तो वो ऐसे किसी भी काम में फंसने से पहले अपने आप को बाहर निकाल देगा। प्रोजेक्ट उड़ान स्टार्ट किया गया ताकि जम्मू कश्मीर के जितने भी अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करवा के दी जा सके। तो ये काफी अच्छा प्लान काफी अच्छे से चला भी वहां पर। ठीक है, प्रोजेक्ट उम्मीद वहां पे स्टार्ट की गई ताकि जो वहां के जो वुमेन है उनको यहाँ पर प्रमोट किया जा सके। अभी G20 का समिट वहां पे करवाया जा रहा है, तो सरकार काफी सारे अपनी तरफ से स्टेप लेने की कोशिश कर रही है ताकि हम क्या प्रमोट कर सके वहां पर। हम लोग उधर एक तरीके से ओवरऑल डेवलपमेंट कर सके। अभी यहाँ पर मिशन सद्भावना, ऑपरेशन सद्भावना को भी स्टार्ट किया है। ठीक है, गुडविल सद्भावना जम्मू कश्मीर में, ताकि लोगों का वहां पर इंडियन आर्मी पर विश्वास रखवाया जा सके, लोगों का दिल जीता जा सके, लोगों को इंडिया की आर्मी की इंटेंशंस क्लियर करवाई जा सके। ठीक है, और किसी भी प्रकार से किसी का भी ब्रेन वॉश करने से पहले उनको रोक लिया जाए। तो ये यहाँ पर एक पूरी स्ट्रैटेजीज है जो आप लोगों से पूछी जा सके, मतलब थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए एग्जैक्टली। तो इस पर देखो क्वेश्चन नहीं बनेगा कोई, ठीक है, बट यस, अगर आप कभी भी इंटरव्यू वगैरह में है, इस तरीके के सवाल कभी भी किया जाता है कि सिचुएशन को कैसे टैकल किया जाए या कुछ भी, तो आपको इसके बारे में पूरा एक आइडिया, होलसम आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो एक इसको भी आप लोग कंप्लीट कीजिएगा। बाकी आप देख सकते हैं ये मैप, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूंगी इसको। तो ये है वो वाला रीजन जहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वाला रीजन है जो कि POK के रीजन में काउंट किया जाता है। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ आप देखेंगे ये ऐसे टच करने पे ऐसे ही हो रहा है कलर। ओके, तो यह पूरा आप देख सकते हैं, इस तरफ एक्साई चिन है, बिल्कुल ऊपर की तरफ हमें क्या देखने को मिलेगा, सियाचिन, जो कि इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है। इस रीजन में आपको सियाचिन जो है वो देखने को मिलेगा यहाँ पर, और सियाचिन में भी इंदिरा कूल पॉइंट उसको कहा जाता है। बाकी ऊपर पूरा का पूरा यहाँ पर POK का रीजन देख रहे हो, गिलगित है ऊपर की तरफ, बाल्टिस्तान है इस तरफ, जोजिला, कारगिल पास, बखान कॉरिडोर आपने सुना होगा, खाइबर पंक्तुआ पास सुना होगा, तो ये सब लोकेशन है यहाँ पर। बाकी इससे नीचे जो है आपको पूरा वो जो है वो जम्मू और कश्मीर का रीजन देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला है हिमालय चंद्रा टेलीस्कोप। हिमालय का चंद्रा टेलीस्कोप जो है उन्होंने यहाँ पर काफी बड़ी एक ऊर्जावान चीज को यहाँ पर देखा है। तो एक चंद्रा टेलीस्कोप है जो कि यहाँ पर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम पर रखा गया है, इंफ्रारेड टेलीस्कोप है भारत का ये, और हाल ही में हेनले में जो है यहाँ पर इसको हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप में एक ब्लेजर, मतलब कि जो सबसे बड़ी एक वस्तु होती है ब्रह्मांड की, उसकी चमक को देखा है यहाँ पर। और ये जो है कहाँ पे बना हुआ है, ये जो है इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी जो लद्दाख में बनी हुई है, करीब 4500 मीटर की हाइट के ऊपर बनी हुई है। तो ये काफी बड़ी जो है टेलीस्कोप बना हुआ है, एस्ट्रोनॉमिकल सेंटर जिसको हम कह सकते हैं, 10th हाईएस्ट है, टॉप तो नहीं है पर हाँ 10th हाईएस्ट है। इसको यहाँ पर कौन चलाता है, इसको पूरा देखने के लिए यहाँ पर जो क्रेस्ट है, क्रेस्ट क्या है यहाँ पर, सेंटर फॉर रिसर्च एंड एजुकेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी बैंगलोर, वो पूरा यहाँ पर देखता है। तो ये टेलीस्कोप यहाँ पर हमें काफी सारी चीजों में मदद करता है, कॉस्मोलॉजी को समझने के लिए, कॉमेट्स का कहाँ पे स्टेलर हो रहा है, ब्लैक होल, काफी सारी ऐसी जो चीजें होती है ना, सुपरनोवा, प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स, उन सबको समझने में हमारी काफी ज्यादा मदद करता है। तो ये एक टेलीस्कोप है, तो इसके भी फैक्ट्स आप थोड़े से याद रखें। अगला हमारा गगनयान मिशन, मैंने आप लोगों को बताया ही था कि भाई इसरो ने गगनयान मिशन को यहाँ पर स्टार्ट कर रखा है, और इसका पूरा जो भी लोग यहाँ पे जाने वाले हैं, एस्ट्रोनॉट्स लेके के जा रहे हैं, मैंड है ये पूरी फ्लाइट, ठीक है, ह्यूमन फ्लाइट जा रही है यहाँ पर। 10,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, ठीक है, और ये 2018 में अनाउंस किया गया था। अब इसके अंदर यहाँ पर इंडिया की यहाँ पर 3 एस्ट्रोनॉट्स को लेकर के जाएंगे इसरो, यहाँ पर ये पूरा सक्सेसफुल देख रहा है। यहाँ पर क्या क्या जाएगा गगनयान में वो हम लोग देख लेते हैं। गगनयान में सबसे पहले तो JSLV-MK3 एक इंजन है वो लेकर के जाया जाएगा, पूरी उसकी फ्लाइट होगी, और उसके बाद क्रू, पूरा क्रू का मॉड्यूल जाएगा यहाँ पर उनके साथ, सैटेलाइट्स, और ताकि वो वापस कम बैक करने में भी उनको आसानी रहे, जब वो यहाँ पर अर्थ के स्पेस में एंटर कर रही हो तब भी उनको पूरा एक फ्रिक्शन यहाँ पर मिल सके। क्रू एस्केप सिस्टम पूरा किया गया, देख सकते हैं आप इस पिक्चर में, ऐसा एक पूरा मॉड्यूल यहाँ पर तैयार किया गया है इस तरीके से। तो ये एक गगनयान मिशन है जो कि अब स्टार्ट होने वाला है, इसरो अपना गगनयान मिशन स्टार्ट कर रही है। इसरो अभी यहाँ पर जो है मैंने बताया था ना, निसार सैटेलाइट, अभी UPSC के एग्जाम में भी आया है ये, मैंने वीकली करंट अफेयर में भी कवर कराया,
तो वो भी अपना स्टार्ट कर चुकी है यहाँ पर गवर्नमेंट, निसा सैटेलाइट किसके ऊपर बेस्ड है, निसा सैटेलाइट जो है वो नासा और इसरो मिलकर के डेवलप कर रहे हैं, तो वो सैटेलाइट यहाँ पे बनाई जा रही है। तो इसमें यहाँ पर अभी काफी सारी चीजों के न्यूज में है, बाकी छोटे मोटे फैक्ट्स आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, ठीक है भाई। अगला आ रहा है एक रिपोर्ट यहाँ पर WMO की, WMO मतलब वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी हिंदी में हम कहते हैं विश्व मौसम विज्ञान, जैसे अपने इंडिया में हम कहते हैं ना IMD, इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ऐसी वर्ल्ड में क्या है वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट क्या निकाली है, ग्लोबल एनुअल टू डिकेडल क्लाइमेट अपडेट। इसमें आपको प्रिलिम्स के लिए याद रखना है ये रिपोर्ट निकालता हूँ, पहला क्वेश्चन। दूसरा, इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स मैं आपको बता रही हूँ, बस आपको वही याद रखनी है। पहला, इन्होंने ये बोला कि भाई जो टेम्परेचर है वो 1.15 डिग्री है, तो ठीक है अभी तक तो सारी चीजें ठीक चल रही है, एवरेज टेम्परेचर 2022 का। और एल नीनो और लानीना के बारे में बताया कि वो आगे बढ़ेगा और उसकी वजह से आगे आने वाले समय में टेम्परेचर बढ़ सकता है। पढ़ा हुआ ना सबने एल नीनो लानीना, नहीं पढ़ा तो ज्योग्राफी में जाके इसको जरूर कंप्लीट कीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। बाकी इन्होंने तापमान वृद्धि के लिए बात करी, इन्होंने टेम्परेचर रिकॉर्ड के ऊपर काफी सारी चीजें बताई हैं कि आगे आने वाले समय में, आगे आने वाले 5 सालों में टेम्परेचर चेंज आएगा, जैसे कि आपको पता है कि 2016 में भी इन्होंने चेंजेस बताए थे और वो हुए हैं, ठीक है। तो आगे आने वाले समय में ये टेम्परेचर चेंजेस होने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए आपको एग्जाम के लिए क्या याद रखना है, तो एग्जाम के लिए ये रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू, बाकी इम्पोर्टेंट नहीं है, पर हाँ ये कौन रिलीज करता है दैट इज इम्पोर्टेंट, ओके। इसके बाद फिर यहाँ पर IREDA, IREDA क्या है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ये एजेंसी यहाँ पर ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक विशेष गैर बैंकिंग वित्त एजेंसी के रूप में स्थापित की गई है। ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो कि 1981 में बनाया गया था, दोनों स्टेटमेंट सही लिखी हुई है, जो कि रिन्यूएबल नवीकरणीय ऊर्जा, जो कि दोबारा से आप बना सकते हो ऊर्जा, नवीकरणीय पता है तो आप दोबारा से क्रिएट कर सकते हो, तो ये उस ऊर्जा में जो है वो काउंट की जाएगी, ठीक है भाई। तो यहाँ पर ये एक बनाया गया था रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को पूरा यहाँ पर लोन वगैरह देने के लिए, सारा उनकी हेल्प करने के लिए इसको उसी रूप में एस्टैब्लिश किया गया, ठीक है भाई। अब ये जो है 1981 में बनाई गई थी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस, बैंक के उसमें नहीं आती, लेकिन हाँ ये लोन जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को प्रोवाइड करती। तो हम कह सकते हैं कि जो दोनों स्टेटमेंट इसमें लिखी हुई है, ऑल द टू स्टेटमेंट्स आर रिटन करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला है यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। जैसे एक आपने वर्ल्ड बैंक का पढ़ा है, वर्ल्ड बैंक में एक इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन IBRD पढ़ा है ना, सेम उसी प्रकार से ये एक और बैंक है, तो ये वाला जो बैंक है ये यूरोपियन यूनियन के लिए बनाया गया था 1991 लंदन, ठीक है, जिसका काम क्या है, यूरोपियन यूनियन में मार्केट के जितने भी काम है उसको ओपन करना, उसको यहाँ पर स्थायी बनाना, खुले बाजार के ऊपर लेके जाना और अर्थव्यवस्था को एक बढ़ावा देने की कोशिश करना। तो एक अंतरराष्ट्रीय लेवल पर ये वित्तीय बैंक है जो बहुत ही ओपन और सस्टेनेबल तरीके से काम यहाँ पे करना। तो ये कब बनाया गया, कौन से ईयर में, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू, 1991 लंदन, ठीक है भाई। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, सो दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है भाई। जो मैंने आपको क्वेश्चन, मैं आपको हमेशा बताती हूँ, जो भी क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं ना, आप उनके फैक्ट्स को जरूर नोट करो, बिकॉज क्वेश्चन आर मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस, ठीक है भाई। तो ये आप अपना कंप्लीट कर लीजिए यहाँ तक, ये थे आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आज के सारी चीजें। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद। कैसा लगा आपको लेक्चर जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि उससे क्या होता है ना, मोटिवेशन मिलती है जब भी आप बताते हैं यहाँ पर कि आपको कैसा लगता है लेक्चर, तो कंप्लीट कीजिए यहाँ तक, बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में।